इस मॉनसून का इंतजार देश कर रहा था, आखिरकार उसने दस्तक दे ही दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुरुवार को केरल पहुंच गया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अब देश के दूसरे हिस्सों में भी मॉनसून के बादल बरसेंगे। केरला में दो दिनों से हैवी रेनफॉल हो रही है, आज भी हैवी रेनफॉल हुई है और जो डिस्ट्रीब्यूशन था फेयरली वाइड स्प्रेड तक रहा, फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रहा है और उसके बाद वेस्टर्ली स्ट्रेंथ भी उसकी मिडल ट्रोपोस्फेरिक लेवल इवन अप टू 5.8 किलोमीटर तक। चक्रवात बेपर जॉय से प्रभावित हुआ मॉनसून भले ही एक सप्ताह की देरी से आया हो, लेकिन अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि हालात और स्पीड सही रही तो अगले एक सप्ताह में मॉनसून दक्षिण से उत्तर की तरफ आ जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून के कारण जल्द ही नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश देखने को मिल सकती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ असम, ये सब एरिया में भी अगले 48 घंटे के अंदर मॉनसून एडवांस करने का पूर्वानुमान किया गया है। मॉनसून तेजी से केरल से तमिलनाडु और कर्नाटक की तरफ बढ़ रहा है।